मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे लिए अपार प्रसन्नता का दिन है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय स्मृति जी मंच पर हैं। भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि जी हम लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। इससे पूर्व की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों को संबोधित करें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 8 वर्ष के कामकाज को लेकर एक गीत बनाया गया है। मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि गाने को लोकार्पण करें। एक नीचे ले
वंचितों की, दिव्यांगों की और जरूरतमंदों की। 8 साल में देश ने देखा कि कैसे उनकी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की राह पर आगे बढ़ रही है। 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोलकर उनके हक का एक एक पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचा रही है। कैसे बिचौलियों की छुट्टी कर रही है। 8 साल में गरीब नागरिकों ने महसूस किया कैसे मोदी जी ने उनके परिवार के सदस्य की तरह उनके घर, पानी, दवाई, बिजली, गैस, बीमा, राशन और पक्की छत भी सुनिश्चित की। इस 8 साल लंबी सक्सेस स्टोरी को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टिंग तरीके से जानना हो, रील लविंग जेनरेशन को देश के अचीवमेंट से वाकिफ कराना हो, तो फोन निकालिए, नरेंद्र मोदी ऐप पर जाइए और होम स्क्रीन में राइट बॉटम में लगे इस आइकन को टैप कीजिए। नरेंद्र मोदी ऐप हमेशा से इंटरेस्ट और एंगेजमेंट का कॉम्बिनेशन रहा है। देखिए सबसे पहले विकास यात्रा सेक्शन, इंफोग्राफिक्स है, वीडियोस है, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स है जो मोदी सरकार की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिखाएंगे। न्यू इंडिया के यंग माइंड्स के लिए यहाँ है प्ले एंड लर्न सेक्शन। यहाँ आकर मोदी गवर्नमेंट की जन सेवा पर आधारित क्विज के जवाब दीजिए, सही वर्ड सर्च करिए, जंबल वर्ड को सुलझाइए, व्हील ऑफ प्रोग्रेस घुमाइए, सही इमेज को गेस करिए या कार्ड को स्क्रैच करिए। प्ले एंड लर्न के साथ आप सेवा स्कोर भी अर्न कर सकते हैं, अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी से इंटरेक्शन का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रिएट एंड शेयर सेक्शन में आप पीएम मोदी का कोड सिलेक्ट कर कार्ड भी पा सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। संपर्क से समर्थन में आप योजनाओं के लाभार्थियों की रील्स देख सकते हैं या आप खुद ऐसे लाभार्थियों से मिलकर उनसे बातचीत का वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इंस्पायर्ड सिटीजंस मोदी जी की टीम बनकर यहाँ देश के लिए प्लेज भी ले सकते हैं। देश के लिए मोदी जी जरूरी है और जरूरी है हम सबका उनके साथ होना। नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करें, दोस्तों को भी प्रेरित करें और हिस्सा बने 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण यात्रा का। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों को इस ऐप के बारे में और ये जो वीडियो है और अन्य जानकारी भी हम लोग ईमेल और आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह है कि आज के पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार में मंत्री बहन स्मृति रानी जी, हमारे छोटे भाई और सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे महामंत्री अरुण सिंह जी, सी टी रवि जी, हमारे तरुण चुग जी महामंत्री और हमारे अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपने 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार का थीम सॉन्ग में आपने कम समय में सारी बातों को रखने का प्रयास किया गया है, जिसको आपने एक थीम सॉन्ग, थीम गीत का के माध्यम से आपने देखा। उसके साथ साथ आपने अभी एक वेबसाइट हमने लॉन्च की, माइक्रोसाइट, ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है। और उसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट में जा करके एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरैक्शन भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और इनोवेशन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉड्यूल में को गेमिफाई किया गया है, एक खेल के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, यंग इंडिया जुड़े, यूथ जुड़े और वो इसको कैसे इस माइक्रोसाइट में जा कर के गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में एक जानकारी हासिल करेगा। इसमें इसी माइक्रोसाइट में है प्ले एंड लर्न,
इसी माइक्रोसाइट में आपने देखा भी, उन्होंने परिचय में बताया कि स्क्रैच करो, क्विज खेलो, क्विज के माध्यम से आप अपने स्कोर बढ़ाओ और स्कोर बढ़ाते हुए यू कैन रीच अ पर्टिकुलर लेवल। तो यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रोसाइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इन्फॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। तो इसके साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको इस सैचुरेशन पॉइंट तक हमारे एमपीज और एमएलएज कैसे पहुंच सकते हैं, वो जिन जिन बेनिफिशियरीज से मिलते हैं उनके वीडियोस वो अपलोड करके इसमें डाल सकते हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि एमपीज और एमएलएज भी इस माइक्रोसाइट का उपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र में बेनिफिशियरीज के सैचुरेशन पॉइंट को, यानी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए और एमपी और एमएलए हमारे कितना इसका काम कर पा रहे हैं इसको हमें जानने के लिए यह माइक्रोसाइट बहुत ही लाभकारी होगी। यानी वी आर ट्राइंग कि इस इनोवेशन के माध्यम से हम पार्टिसिपेटिव बनाएं और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हुए लास्ट माइल डिलीवरी में अपना उपयोग कर सकें, यह इसमें करने का उपयोग किया गया है। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी इस वेबसाइट के बारे में, एक बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज जब हम इस संवाददाता सम्मेलन में एकत्र आए हैं तो हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, ये मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारे कार्यक्रमों को गवर्न करने के लिए किस दिशा में जाना है उसका एक तरीके से कहिएगा कि यह इस बैकग्राउंड में उन्होंने चलने का निर्णय किया है, ये हमको इसमें से समझ में आता है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, टुडे वी सी प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। जो समाज है उसको मजबूती करने के लिए यह कमजोर है की बात करते हैं तो आप कल्चर और तिथि जनरल सेइंग वाक्यों में इसी तरीके से राजनीति को ट्रांसलेट किया जाता था, आप लोगों की भाषा में उसको डिकोड किया जाता था। आज स्पष्ट है मोदी है तो मुमकिन है और ये आम व्यक्ति की आवाज है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, ये आम व्यक्ति की आवाज है कि यस इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज देयर दिस इज पॉसिबल, मोदी है तो मुमकिन है, यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीज़ें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए इसको
कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। अगर इसी में हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं, जो महिलाओं को और युवाओं को सशक्तिकरण देता है, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आप सब जानते हैं कि उसका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। अगर अंत्योदय की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का विषय, उसको हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से आगे रखने का प्रयास किया है। नेशन फर्स्ट ये कहने के लिए नहीं था, मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे नेशन फर्स्ट की तरफ हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हुई हैं, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बदलाव की कहानी है, यही हमारी प्रगति की निशानी रही है। पहले स्कीम्स कागज़ पर बनती थी, मैं एक लंबे समय तक MLA भी रहा हूँ, मुझे मालूम है ज़मीन पर कैसे काम होता था। कागज़ पर स्कीम बनती थी, कागज़ पर ही इम्प्लीमेंट हो जाती थी और कागज़ पर ही उद्घाटन हो जाता था। आज डिक्लेरेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट, नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, हमारे IMF ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग BPL के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी, वो भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है और उसको भी स्टेबल रखा है। ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की बात करें तो वो डबल हो गई है। और मैं आंकड़ों में आपको रख रहा हूँ, छोटी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि एक गो थ्रू हो जाए सो दैट आपकी मेमोरी लेन में भी वो रिफ्रेश हो जाए। फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। $300 बिलियन US dollars से बढ़ करके $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, जस्ट डबल्ड। उसी तरीके से आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे और हमारे इस 8 सालों में 6.53 लाख हमारे प्राइमरी स्कूल्स बने हैं। इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से जहां हम आगे बढ़े हैं, वहीं पर पर्सन की प्रॉफिट, वो भी इनकम भी डबल हुई है। 2014 में हमारी पर ईयर इनकम एवरेज वॉज 79,000, टुडे इट इज 1,50,000। और ये मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ रख रहा हूं इसलिए कि आपको स्टैटिस्टिकली समझ में आए कि वॉट डिफरेंस मोदी गवर्नमेंट हैज मेड। उसी तरीके से अगर हम देखें प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स, तो ये 255 मिलियन टन्स से बढ़ करके 316.06 मिलियन टन्स हो गया है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो ये लास्ट फिस्कल ईयर गया, इसमें $418 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, यानी नाउ वी आर, इंडिया हैज बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर कंट्री। $418 बिलियन का हमारे यहाँ वो हुआ है। IMF का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है, वो जहाँ अमेरिका का 4.4 है तो इंडिया का 2.82% है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन हमारा कैसा है। एग्रीकल्चर में हमने जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट्स में, जो हम एक्सपोर्ट्स में, वो 23% का इंक्रीज़ है। और एग्रीकल्चर बजट
23,000 करोड़ का होता था, आज 1,23,000 करोड़ प्लस है, यानी 10 times से ज़्यादा उसकी इंक्रीज हुई है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह भी डबल हुआ है, 112.33 लाख करोड़ था इन 2014, नाउ इट इज़ 232 लाख करोड़, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम $500 बिलियन यानी 500 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और दिस इज 65% इंक्रीज, ये 65% की उछाल है, 65% इसमें बढ़ा है। GST कलेक्शन 1,67,000 लास्ट क्वार्टर में गया है, और यह भी अपने आप में रिकॉर्ड कलेक्शन है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2022 के बाद हमारे पास 2020 के बाद स्टैटिस्टिक्स नहीं आए हैं, क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो स्टैटिस्टिक्स निकालना बंद हो गया है, लेकिन लास्ट इज इट स्टार्टेड फ्रॉम वी वर ऑन द 142 नंबर एंड द लास्ट वाज 63, वी हैड रीच 63, और आज 2022 में निश्चित रूप से हम और आगे ही बढ़े होंगे, उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है। उसी तरीके से हमारी $3 trillion की US डॉलर्स की इकॉनमी हमारी बनी है, और टारगेट इज $5 trillion इकॉनमी हमको बनानी है, तो उस ओर हम प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि गांधी के नाम पर कांग्रेस के लोग 70 साल राज करके खादी के नाम पर राज करेंगे, और खादी का वो बुरा हाल 70 साल में करेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल का टर्नओवर 1,15,000 crores है, और फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है हमारा खादी, ये हमको समझना चाहिए कि आज खादी को कितना वो दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है उसको देने का प्रयास किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस हैज़ बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय IMF, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय UN जनरल असेंबली, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इट। क्यों? क्योंकि कोरोना के दौरान हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को किसी ने भी रिजॉल्व किया तो उसमें भारत नंबर एक पर खड़ा है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं देना, 5 किलो चावल देना, 1 किलो दाल देना, 2 साल से इस काम को चलाए रखना, ये अति गरीबी की रेखा को 0.1% से भी जो 0.8% पर ले जाने में ये बहुत लाभकारी रहा है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान सम्मान निधि, हमारे कांग्रेस पार्टी वाले हर चुनाव में 10 साल के बाद वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो कर्जा माफ़ी का विषय उठाते थे, जिसका सारा इन्वेस्टमेंट 57,000 करोड़ बनता था 10 साल में एक बार, ये था इनका मैजिक, ये था इनका कांग्रेस का मैजिक। और प्रधानमंत्री जी ने 10 किश्तें ₹6,000, ₹2,000 हर क्वार्टर पर अपने 10 किश्तें दी हैं, और 1 लाख हमारे 1,65,000 crores हैव बीन स्पेंट टिल डेट, और कल 11वीं किश्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज मैदान से उसको रिलीज करेंगे, और 11 करोड़ किसानों को 1,80,000 हैज बीन गिवन एंड इन 10 installments, एंड टुमारो कल जो होगा वो 11वीं किश्त होगी। 700 जगहों पर हमारे बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा, 700 places पे हमारे मिनिस्टर्स होंगे। शिमला के रिज मैदान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल हमारे लाभार्थियों को एड्रेस करेंगे, और वहाँ से वो 11वीं किश्त रिलीज करेंगे। हर एक कृषि विकास केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में, KVK में इसका कार्यक्रम होगा, और इसके अलावा पार्टी के द्वारा 700 places पर वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, तो इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत के बारे में बोलूँ तो वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ असिस्टेंस, ये वर्ल्ड का एजेंडा है। लेकिन आज दिन तक यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस देने में कोई देश कामयाब नहीं हुआ है, और वेस्टर्न वर्ल्ड तो इलेक्शन ही हेल्थ इश्यू पर लड़ती है, हेल्थ सिक्योरिटी पर लड़ती है,
बहुत से प्रेसिडेंट्स आए यूएस के, सबने हर एक तरीके की बातचीत की, लेकिन आयुष्मान भारत 50 करोड़ प्लस यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और कौन है, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई कास्ट के माध्यम से नहीं है, ये बाय प्रोफेशन है, रेड़ी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, फेड़ी लगाने वाला, रैग पिकर, ये बाय प्रोफेशन, बार्बर बेचारा जो बाल काटता है, जो रेड़ी चलाता है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को चुन चुन करके 50 करोड़ लोगों को यह आयुष्मान भारत का 5 लाख का एनुअल हेल्थ कार्ड दिया गया है। और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुविधा उठा ली है, 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च हो चुका है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में हम पानी पहुँचाएंगे नल से जल, और 9 करोड़ पहुँच चुके हैं। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, 2,81,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से इसकी मर्मता समझाना चाहता हूं, क्योंकि गांव से आता हूं। आपको शायद उन बच्चों की साइकोलॉजी मालूम ही नहीं है जिनके घर में बिजली नहीं है, वो उनका जीवन में डिग्निटी नाम की चीज कितनी कॉम्प्रोमाइज है, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे के घर में जाते हैं, और इसकी संख्या छोटी नहीं थी, 2,18,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई गई है, यानी लिविंग विद डिग्निटी। ये 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया, बार बार लोग बोलते हैं टॉयलेट दिए गए, नो इट्स नॉट दैट ओनली। आप लोगों तो गांव में घूमते ही होंगे, आप लोग कवर करने जाती हैं गांव में, बताइए औरतें झुंड का झुंड बना करके निकलती थी कि नहीं निकलती थी फॉर देयर डेली नीड्स। और इसका मतलब सिर्फ मां ही नहीं है, मां के साथ बच्चा भी है, इसका मतलब, और इसकी संख्या छोटी नहीं है, 11 करोड़ है। तो यानी 11 करोड़ लोग इस देश में 70 साल की आजादी के पश्चात डिग्निटी के साथ जी नहीं पा रहे थे, यह स्थिति थी। और मोदी जी ने 8 साल के अंदर उनको लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया है। 130 करोड़ की जनता में 11 करोड़ महिलाएं हों, और 130 करोड़ की जनता में एक एक बच्चा भी होगा तो 11 करोड़ बच्चे हों, तो ऐसे देश को अगर हम कहें कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो इसका ट्रू अर्थ हमको इसमें से समझ सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। जल जीवन मिशन की मैंने आपसे बात की, हमारे बगल में बैठे हैं पूर्व के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उज्ज्वला योजना इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से इसको शुरू की, 9 करोड़। और मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूँ कि हेल्थ का इशू देखिएगा तो पल्मोनरी डिजीज, और पल्मोनरी डिजीज के साथ साथ ये लंग्स का इन्फेक्शन, ये महिलाओं का कम हुआ। इतना ही नहीं, अगर शौचालय की बात करें तो वाटर बोर्न डिजीजेस कम हो गए क्योंकि स्वच्छता आ गई, ये चेंजेस आए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए उज्ज्वला ने महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरीके से किया है वह भी हम सबको ध्यान में आता है। 2.38 हाउसेस बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मैं ही पहले MLA होता था, एक इंदिरा आवास योजना होती थी, 40,000 रुपये दिया जाता था, ये आपको ग्राउंड की बात सुना रहा हूँ। और हमारे को बोलते थे कि नड्डा जी आप एक पंचायत में 2 घर बता दीजिए, 40,000 रुपये दे दें। दिस वॉज द पेस ऑफ आवास योजना। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2,38,00,000 घर बन करके तैयार दे दिए गए, पक्की छत, रसोई का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, शौचालय, बेडरूम, सारी फैसिलिटीज। उसी तरीके से हम अगर आत्मनिर्भर की बात करें तो हर गरीब को घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, गैस का कनेक्शन मिले, हर गांव को इंटरनेट मिले। अब देखिए आप और हम तो इंटरनेट में रहते हैं, इंटरनेट के युग में रहते हैं, पूछते हैं कहीं रात को गुजारना पड़ जाए तो हमारा पहला प्रश्न होता है यहाँ वाईफाई है, यहाँ जैसे एज इफ मेरी दुनिया ही समाप्त हो जाती है, दिस इज अवर लाइफ स्टाइल। आप उन गांवों की बात सोचिए ना, और गांव कितने हैं, 6 लाख प्लस 6 लाख, और सबको इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर के साथ का नेटवर्क बिछाना, ये काम 8 साल में हुए, 8 साल बेमिसाल की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये है उनको एम्पावरमेंट देना, उनको लाना। मैं बार बार MLA का जिक्र करूँगा, लेकिन हमारा एक्सियन हमको बोलता था कि आपके बजट में 40 लाख हैं, आपके 40 सड़कें हैं, आप बताइए 1-1 लाख सब में डाल दूं, या आप कोई 2 सड़क बताएंगे तो मैं 20-20 लाख दे करके 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर उसको बना दूंगा। दिस वॉज द प्लाइट।
एंड टुडे 6 लाख विलेजेस आर बीइंग कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड। यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रूप जिसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के और बॉर्डर रोड्स की बात करें तो हमारे पास 6,769 किलोमीटर्स की रोड्स और ब्रिजेस सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं बॉर्डर एरिया में, चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर एरिया में 6,763 किलोमीटर्स की रोड बनी है, 15,000 मीटर्स की ब्रिजेस बने हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए, कभी सोचा नहीं था, और भारत ने इसमें भी एक अपना स्थान स्थापित किया। चंद्रयान और मंगलयान के मिशन पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। विमेन की बात अगर हम करें तो उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के सुकन्या योजना से लेकर के मातृशक्ति की बात करते हुए, और यहां मैं आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कभी आप लोगों को इसकी कल्पना नहीं हुई होगी लेकिन मैं शेयर करता हूं। राइट फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए वुमन टिल डिलीवरी विथ ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे की सारी चिंता भारत सरकार कर रही है। ये आप इसको समझिए कि किस तरीके से मैटरनिटी इशू को, महिला के इशू को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। ये छोटी घटना नहीं है। द डे अ वुमन कंसीव्स, राइट फ्रॉम दैट डे टीकाकरण शुरू हो जाता है, हर 2 सप्ताह बाद उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है, वहां से डिलीवरी तक, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी करा करके वापस उसको पहुंचाना, उसको उसके लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भारत सरकार ने विमेन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए करने का काम किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विषय मैं जरूर कहूंगा कि हमने संस्कृति की भी रक्षा की है, और चाहे वो भव्य राम मंदिर बनने का सवाल हो, चाहे वो भव्य काशी हो, चाहे भव्य हमारा भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास हो, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह भी मॉडर्न इंडिया का एक तरीके से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बना है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा। और इसके साथ साथ मैं यह भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हमारा ये डिफेंस का अपना वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल कब का कॉन्सेप्ट था? 2014 में मोदी जी ने क्लियरेंस दी, 2019 में बना करके खड़ा कर दिया। ये सारी चीज़ों के प्रति जो काम हुआ है, पंचतीर्थ की बात हम करते हैं, मऊ से लेकर के लंदन में जहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, वहाँ से लेकर के कहाँ उनका, उन्होंने अपना ये महापरिनिर्वाण हुआ उनका, कहाँ उनको ने दीक्षा ली, ये सारी जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम यह भी भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, यह हम सब लोग जानते हैं। अगर हम दिवस के दृष्टि से देखें तो फिर संविधान दिवस, तो संविधान तो 26 नवंबर को निश्चित रूप से चर्चा में आ गया था, लेकिन संविधान दिवस मनाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। सामाजिक समरसता दिवस का तय किया तो वह भी इस सरकार ने तय किया। विभाजन विभीषिका दिवस तय किया तो वह भी सरकार ने 14 अगस्त को तय किया। राष्ट्रीय एकता दिवस, उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। जनजातीय गौरव दिवस, उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। तो यानी ये दिवस भी अपने आप में भारत की संस्कृति और भारत के लिए काम करने वाले लोगों को, योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस, वी वेंट ग्लोबल और दुनिया में उसका हमने एक स्थान बनाया, वह भी हम सबको ध्यान में रखता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक, जिसको हम कहते थे कि एक पिछड़ा इलाका, कटा हुआ इलाका, अलग से देखने का दृष्टिकोण, यह हमारी केंद्र की सरकार ने रखा था। उसकी मेन स्ट्रीमिंग अगर की गई है तो वह मेन स्ट्रीमिंग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। बंद और ब्लॉकेट से निकल करके आज वह मेन स्ट्रीम में आज आया है। लगभग 50 टाइम्स हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ दौरा हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री जो असम से ही आते थे वो कितनी बार दौरा किए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़रूर है कि आप ज़रा पता कीजिएगा कि व्हाट डिफरेंस नॉर्थ ईस्ट इज़ मेकिंग टुडे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
उसी तरीके से अगर हम कहें नागालैंड का पीस समझौता 2015, एनएलएफटी का समझौता 2019, ब्रू रियांग का समझौता 2020, बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021, ये सब पेंडिंग इश्यूज थे नॉर्थ ईस्ट के। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ पिक्चर ईयर वाइज कि नॉर्थ ईस्ट के कितने समझौते भारत सरकार ने किए और वहां पर पीस लाने के लिए क्या क्या काम हुआ है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 1500 करोड़ का एक स्पेशल बजट का प्रावधान नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट, हमारी अपनी, हमारा इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रख करके उस पॉलिसी को भी बनाया। पड़ोसियों के साथ विशेष ध्यान देने की योजना भी बनी, हमने अपने पड़ोसियों के रिश्ते साथ रिश्ते मजबूत किए, गहरे किए। और इतना ही नहीं, अगर कोई देश पर संकट आया तो हमारे लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का उपयोग करते हुए, फिर चाहे अफगानिस्तान से लोगों को लाना हो, यमन से लाना हो, यूक्रेन से लाना हो, और छोटी संख्या नहीं है ये ऑपरेशन गंगा, ये राहत ऑपरेशन राहत, ये छोटी संख्या नहीं है, 23,000 लोग आए हैं, 1400 सॉर्टीज लगी है, 140 सॉर्टीज लगी हैं। तो ये सारे काम को प्रोएक्टिव तरीके से करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सारे इवैक्यूएशंस इस बात को बताते हैं, कोई और देश ने नहीं किया वो, लेकिन हमारी सरकार ने किया। इसलिए हम कहते हैं वी आर प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो एक्टिव एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोविड की बात बहुत हो गई है, मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, देश के दुनिया के दूसरे कोनों से 20 साल 27 साल 28 साल बाद कोई वैक्सीन लेके हमारा देश आता था, और उसके बाद वो पोलियो का, पल्स पोलियो का प्रोग्राम लेता था, टेटनेस का प्रोग्राम लेता था, मलेरिया का प्रोग्राम लेता था, स्मॉल पॉक्स का प्रोग्राम लेता था, चिकन पॉक्स का प्रोग्राम लेता था। ऑल दीज वैक्सीन हैव रीच्ड इंडिया 20-30 ईयर्स लेटर। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया और 2021 की जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन दी। 192 करोड़ ऑफ डोजेस तो दिया ही दिया है, मैं यहां आपके सामने ऐड करना चाहता हूं, 100 कंट्रीज को 18-18.5 करोड़ वैक्सीन हम लोगों ने पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री की दृष्टि से। यानी इंडिया इज अब लेने वाला इंडिया नहीं है, ये देने वाला इंडिया है। एंड 48 कंट्रीज हैव गॉट वैक्सीन टू द ट्यून ऑफ 1.1 crore 50 lakh डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू 48 कंट्रीज। तो यह भी हमने करने का प्रयास किया है, यानी भारत में तो लगे ही 192 करोड़ का डोजेज, और डबल डोज के साथ आप बूस्टर लेकर के भी तैयार बैठे हैं। यह देश को बदलने की स्थिति का एक बहुत बड़ा परिचायक है, यह हम सबको के ध्यान में आता होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरी ऑल इंफॉर्मेशन और सारे आंकड़ों के को ध्यान में रखते हुए कि हम निश्चित रूप से भारत, एक बदलता भारत, एक बदला हुआ भारत, इस मानसिकता के साथ 8 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको ध्यान में रखते हुए काम में जुटे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि लगभग दर्जन भर देशों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश के सर्वोच्च पदों से, यानी सर्वोच्च सम्मान से उनका सम्मान किया है। यह भारत की बदलती छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने हासिल की है। और हम सब लोगों ने तय किया है कि ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम को लेकर हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड के माध्यम से, उन्होंने जो हमारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना में नहीं रहे, उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनको सपोर्ट करने का जो निर्णय किया था उसको आज इम्प्लीमेंट किया है। स्मृति जी का मंत्रालय ने उसको कोऑर्डिनेट किया है। कल किसानों का कार्यक्रम होगा और उसमें वो किसानों को संबोधित करेंगे। और इसके बाद हम हर दिन, एवरी बीजेपी वर्कर इज गोइंग टू डिवोट 75 hours इन 10 days फॉर, एंड वी विल फोकस, हम फोकस करेंगे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। एक दिन महिला के लिए करेंगे, एक दिन एससी के लिए करेंगे, एक दिन एसटी के लिए करेंगे, ट्राइबल्स के लिए करेंगे, एक दिन ओबीसी के लिए करेंगे, एक दिन युवाओं के लिए करेंगे। इस तरीके से हम 10 दिनों में 75, वैसे 15 डेज, लेकिन 10 डेज को हम फोकस तरीके से इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा
आठ साल मोदी सरकार के विषय को पहुंचाने का है। हमारे भारत सरकार के मंत्री विभिन्न स्थानों पर जाकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स काम में चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन भी करेंगे, उनको देखेंगे भी, उसकी प्रगति भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ समाज को उस विकास की कड़ी से जोड़ने का काम हमारे मंत्री करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आठ साल में काम किया, मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में रखूं, आपके लिए ज़्यादा शब्द हो गए होंगे, लेकिन काम की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि सिलेक्ट करते करते भी मन में हमेशा आता है कि यह पहलू छूट गया, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको एग्जॉस्टिव तरीके से एक तस्वीर खींचने का प्रयास करूं। आप सब लोग ने सुना, आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचे और हम उसमें सफल हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपके प्रश्न लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आप बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन समय की मर्यादा के कारण कुछ लोगों से सवाल लेंगे। लीज मैथ्यू। Your question is what challenges we faced during this process, what are the major challenges we faced? Yeah, and also how do you think that the government has tackled the unemployment? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने कहा कि भारत की संस्कृति बदली है तो गवर्नेंस में सबसे पहली बात है लास्ट माइल डिलीवरी, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। और पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो पॉलिसी बनी थी वो लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ हिमसेल्फ टेकन केयर ऑफ मॉनिटरिंग द लास्ट माइल डिलीवरी एंड दैट इज व्हाई द स्टैटिस्टिक्स शो द चेंजेस व्हिच हैज कम फॉरवर्ड। तो और मैं ये मानता हूँ कि जब आप, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं होता है और अब आप कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, तो बहुत बड़ा हिलाने का काम तो किया ही होगा ना। तो वो हिलना जो होता है उसमें तो सब लोगों का, तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज व्हिच ही हैज सरपास्ड। राम नारायण श्रीवास्तव जी, देखिए आपके सामने मैंने आंकड़े रखे हैं। सबसे पहली बात तो आपके ध्यान में आएगा कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा नीचे रहा और ग्रोथ रेट हमेशा ऊपर रहा है। दूसरी बात कि जब इकॉनमी सफर्ड, पेंडेमिक भी देखा, पेंडेमिक के साथ साथ हमने यूक्रेन वॉर भी देखा, लेकिन इन सब चीजों में इकोनॉमी की ग्रोथ को बनाए रखना और 8.7% की ग्रोथ रेट पर ले जाना, यह अपने आप में एम्प्लॉयमेंट को आंसर देता है। और वैसे अगर मैं कहूं तो आपके पास वो ईपीएफ के आंकड़े हैं, वो 1 करोड़ समथिंग को नौकरी दी है और फिर 20 करोड़, 34 करोड़ को अवसर दिया है, ये सब चीजें तो है ही है, तो इसको आप सब लोग ध्यान में रखते ही हैं। आमोद राय जी, देखिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस में फीडबैक से आता है। मैं एकदम कोई इस तरीके से नहीं कह सकता हूँ, और महिलाओं की 50 योजनाएं चल रही हैं, कोई एक एंगल और आ सकता है जहां हमको कोई पॉलिसी लानी पड़ सके। युवाओं के को सशक्तिकरण करने में बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कोई कहीं कोई और बॉटलनेक दिखता है जिसके लिए कोई हमको स्कीम, सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें खाली मैं इसका जो प्रिंसिपल है, बिकॉज इट इज ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज ए एक्टिव गवर्नमेंट, ये कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो उसको रिस्पॉन्ड हम करके उसको हम निवारण करेंगे और वही हमारी स्कीम होगी। देखिए हमारा जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, यूनिटी नेचर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो
जब ये हम फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं तो हमको फेडरल स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन इनलाइटनमेंट, प्रजातंत्र जो काम करता है वो विवेचन के माध्यम से चीजों को पहुंचाने में वर्क करता है। हम उनको राजनीतिक दृष्टि से उन जनता तक ले जाना ये हमारी जिम्मेवारी है। अब दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं हो रहा है तो 60 लाख पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख, तो ये हमारा काम है कि हम घर घर जाकर के बताएं। वो उनकी सोच जो है वो हमारे सामने है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे सामने है, तो हम जो कर रहे हैं उसको नीचे तक ले जाना हमारी जिम्मेवारी है। और इसीलिए हमारी कोशिश तो है कि जहां हम सरकारों में नहीं है आने वाले समय में हम सरकार में आएंगे, जितेंद्र जी, और ये हमारा लक्ष्य होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम इसके तहत काम कर रहे हैं और जितनी भी बातें मैंने गिनाई वो सब उसी के तहत है। अब मीडिया वाले इश्यूज उठाते रहे तो वो तो मीडिया उठाएगी तो समाज सुनता है। रविंदर जी, नहीं ठीक है, उन्होंने सोचा है, वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों ने तो कहा है कि सबको बराबर देखना चाहिए सबकी दृष्टि से, तुष्टि हमारा ब्रॉड आउटलाइन क्या है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसके तहत हम काम करते हैं। रविंदर जी, देखिए राजनीतिक दल के तरीके से हम जब सोचते हैं तो हमारा मानना यह है कि हम सबको समावेश अपने साथ करेंगे। पहली चीज ये होती है कि हम उसके लिए तैयार हों, वो हम तैयार हैं। समाज में बहुत से लोग होते हैं, सम रिस्पॉन्ड अर्लियर, सम रिस्पॉन्ड लेटर, सम रिस्पॉन्ड आफ्टर डिकेड्स, सम रिस्पॉन्ड आफ्टर व्हेन मच टाइम हैज पास्ड, तो ये तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हमारा कंडक्ट अपना स्ट्रांग नेशन, वन नेशन, ये स्पष्ट है और उसमें सब लोग जो हैं उनको बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी। खत्म ही करना है हमको, तब तक रहना है, आपका समर्थन चाहिए। विकास भदौरिया जी, हमारी कोशिश है, अभी तक तो देखिए लड़खड़ाने नहीं दिया, इतनी बड़ा पेंडेमिक आया, यूक्रेन आया, सब कुछ आया, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कुछ उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि आप जब आप फ्लाई करते हैं तो वेदर कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है, लेट्स सी हाउ द वेदर वर्क्स, इट्स नॉट ओनली ऑन अस, तो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हमको जाना है एज फास्ट एज वी कैन। अब ये इस तरीके का देखिए, ये तो मेरे को किसी इकोनॉमिस्ट से पूछना पड़ेगा, लेकिन हम आपको जनरल टर्म में यही बताएंगे कि वी विल गो एज फास्ट एज वी कैन। राहुल श्रीवास्तव, एक मिनट, राहुल श्रीवास्तव, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो है, वो जब टिकट बंटवारा होता है चाहे वो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए।
नहीं, आपको ये गलतफहमी है, अभी पूरी टिकटें बटी नहीं है, नंबर एक। दूसरा, पार्टी किस तरीके से सोचती है ये इतना थोड़ा हमारे लिए छोड़ दीजिए। राहुल श्रीवास्तव जी, देखिए, सांस्कृतिक विकास की बात हमने की, वो हम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज जो है, ये इश्यूज भारत के संविधान और कोर्ट के तहत होते हैं, तो ये कोर्ट और संविधान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी उसको लेटर ऑफ स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती है। नो एजेंडा कैसे, देखिए, दैट वी हैड गॉन फॉर अ रेजोल्यूशन ऑन राम जन्मभूमि इन पालमपुर रेजोल्यूशन, आफ्टर दैट देयर हैज बीन नो रेजोल्यूशन। सुकेश रंजन जी, सुकेश वेंकट जी, आपका भी एक मिनट, सुकेश जी फिर उसका वेंकट जी। देखिए, हम सभी इश्यूज के बारे में चिंतित रहते हैं और सभी इश्यूज के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ी पब्लिक मेमोरी ध्यान में नहीं आती है, कब लोगों ने टैक्स के लिए पेट्रोल के और डीजल में कटौती की, कब उन्होंने 3% से नीचे इन्फ्लेशन रेट को रखा। तो हम यही कह रहे हैं, वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन डू, वी आर रिस्पॉन्सिव, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर प्रोएक्टिव। वेंकट जी ला पूछे, ठीक है ना। एक एक वेंकट जी, एक एक सवाल, फर्स्ट सजेशन यू इज वेल टेकन, दैट ऐप पार्ट। यू हैव आस्क्ड अबाउट ग्रोथ ऑफ तमिलनाडु, टिल नाउ इट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट हाउ वी कैन गो एज व्हाट बेस्ट वी कैन डू। और इसमें आपने जो ये ऐप बताया, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस। तीसरी बात आपने कही है, योर रिक्वेस्ट विल बी पुट फोर्थ। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछना चाहते हैं, अभी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सवाल और बातचीत करने का मौका मिलेगा हम लोगों के बीच। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी रहने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी भी हम लोगों के चाय में भी पीजे जलपान में जुड़ने वाले हैं। आप लोगों से एक और आग्रह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी काफ़ी तेज भार आंधी तूफान आया है, तो कुछ व्यवस्थाएँ जरूर कम करनी पड़ी हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग उसके लिए चाहिए होगा। एक छोटे हॉल में करना पड़ रहा है, अच्छा, इसलिए आप सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।